नमस्ते आप सबको पता के आज पीसीबी आईसीसी बीसीसीआई इन सबकी मीटिंग थी। आईसीसी की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग का फैसला निकल के आ चुका है। उस मीटिंग का फैसला मैं तो सुन के एकदम मेरे तो कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया है। आपको बताता हूं कि भाई अब असल बात हुई क्या है, फाइनल डिसीजन क्या निकला है। बीसीसीआई जीता है, पीसीबी जीता है, कौन हारा है, कौन जीता है। ये जो पाकिस्तानी मीडिया, इन्होंने जो आखिर चुकी थी कुछ घंटा का, जो हाथ में केले की तरह माइक पकड़ के पिछले 6 महीने से कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अब उनको मैं बताता हूँ कि असल बात हुई क्या है, क्योंकि कुछ हमारे इधर हैं कुछ माइक पकड़ के वो केले की तरह जो है वो पटर पटर उन्होंने लगाई हुई थी। उनकी बोलती भी ऑब्वियसली अब बंद हो चुकी है। उनको भी पता चल जाना चाहिए कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए, और जो सच का साथ देता है व्यूज कम आ जाएंगे, लेकिन सच बोलो और सच का साथ दोगे तो आपको लोग सुनेंगे भी और लोग आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट भी कर लेंगे। आप सबको पता है कि आईसीसी की मीटिंग थी, मीटिंग हो चुकी है, फैसला आ चुका है। हर बंदा आपको अपने तरीके से फैसला बता रहा है। मैं थोड़ी वीडियो लेट लेके आ रहा हूँ, लेट लेके आने का मकसद यही था कि मैं जो मेरे सोर्स थे उनसे बात जब तक मुझे पता नहीं थी लगनी, मैंने इसके ऊपर बात नहीं थी करनी। अब बात पता चल चुकी है, रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। अब करते हैं बात भाईजान, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बैठ जाओ, खड़े हुए हो, जो मर्जी कर रहे हो, वीडियो स्किप नहीं करनी। कर गए तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आज की मीटिंग में हुआ गया। देखें सबसे पहले मीटिंग में होना क्या था, मीटिंग में ये होना था हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल पे बात होनी थी कि हाइब्रिड मॉडल होगा या नहीं होगा। फिर ये बात होनी थी कि बाकी बोर्ड से पूछना था कि क्या आप बीसीसीआई को एग्री कर सपोर्ट कर रहे हो या पीसीबी को सपोर्ट कर रहे हो, आप किसके फैसले पे एग्री कर रहे हो। फिर आईसीसी ने अंदर ये कहना था कि मैं किसके बात पे एग्री कर रहा हूं, लाइक आईसीसी क्या चाहता है, आईसीसी हाइब्रिड मॉडल चाहता है, आईसीसी क्या चाहता है जो है वो पाकिस्तान में सारी चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाहता है। फिर ये सारी बातें भी होनी थी। फिर पीसीबी ने अपना मौकफ रखना था, फिर बीसीसीआई ने अपना मौकफ रखना था, फिर सब बोर्ड ने बताना था। अगर ये सब कुछ ना होता तो फिर वोटिंग होनी थी। अब हुआ गया, अब सब ये पूछ रहे हैं हुआ गया है। सर हुआ ये है कि आईसीसी बीसीसीआई मतलब जेशा आईसीसी और मोहसिन नकवी, इन दोनों की मीटिंग हुई है। बाकी बोर्ड्स भी थे, और मोहसिन नकवी की कल भी कुछ आईसीसी के मेंबरान से मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही बातें हुई थी। और आज की मीटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक अभी बताता हूँ, एक इसके बाद, और एक जो एंड वाली चीज होगी ना वो मैं आपको एंड पे वीडियो के एंड पे बताऊंगा, वो आपको ये चीज बता देगी कि अब जीत किसकी हुई है और हार किसकी हुई है। देखें आईसीसी ने सबसे पहले पीसीबी से पूछा है सारी चीजें कि क्या आप क्या जो है वो अपनी कहानी सुनाएंगे। फिर बीसीसीआई से पूछा है, जब पीसीबी ने अपनी कहानी सुनाई है तो उन्होंने ये बोला है कि जी हमारे ग्राउंड्स जो हैं वो रेडी हैं, ग्राउंड्स बन रहे हैं, मतलब इतनी देर तक ग्राउंड्स रेडी हो जाएंगे और फिर इतनी देर तक जो है वो जो है वो शेड्यूल आ जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो करवाई जाएंगी और हर चीज से सिक्योरिटी का भी मसला कोई नहीं है, हर चीज से पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है और इंडिया को भी आना चाहिए पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। सारी टीमें जहां आ रही हैं वहां इंडिया को भी आना चाहिए और हम इनको बड़े दिल से वेलकम करेंगे और ये करेंगे फलाना टीम करना। जो भी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बातें की, और फिर मोहसिन नकवी ने ये बात भी की कि जी स्टेडियम्स को भी मैं देख रहा हूँ, स्टेडियम्स बन रहे हैं, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के अंदर अंदर स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी का कुछ जो टाइम है वो एंड की फिनिशिंग पे लगेगा और उसके बाद फिर स्टेडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। जबकि आईसीसी ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को 15 दिसंबर से 31 दिसंबर स्टेडियम 100% कंप्लीट करने का बोला हुआ था। मोहसिन नकवी साहब ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुके हैं और मीटिंग में भी ये बात हुई है कि भाई 15 से 31 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, फिनिशिंग का काम कंप्लीट नहीं होगा। और आप सबको पता है भाई वो फिनिशिंग के काम पे ज्यादा टाइम लगता है, फिनिशिंग के काम पे ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा खजी होती है। फिर सारी ये बातें हुई और उन्होंने बोला कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवाएंगे, हमने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है और अगर आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवाते लाइक हाइब्रिड पे लेकर जाते हो फिर पाकिस्तान इस चीज से बाइकॉट करेगा, पाकिस्तान पुल आउट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी से, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। फिर मोहसिन नकवी ने एक और बात की, फिर मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में
नहीं करवाते, आप हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हो, तो फिर कल को जब 2026 का वर्ल्ड कप होगा आपको हमें भी हाइब्रिड मॉडल पे वो करवा के देना पड़ेगा। हम इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे जाकर, हमें वो हाइब्रिड मॉडल पे टूर्नामेंट हमारे लिए आपको करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात, फिर मोहसिन नकवी ने ये सबसे बड़ी जो बात की है कि करवा लो आप हाइब्रिड मॉडल पे, आप हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवा लो, लेकिन हम फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो आपको या तो फिर पाकिस्तान में करवाना पड़ेगा, अगर आप पाकिस्तान में वो नहीं करवाते फिर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है फिर हम बाहर जाके वो कतन तौर पे नहीं खेलेंगे। फिर मोहसिन नकवी ने एक और बात किया कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हो फिर उसमें आपको फाइनल पाकिस्तान में करवाना पड़ेगा, हम फाइनल और सेमीफाइनल दोनों पाकिस्तान में करवाएंगे। फिर ये बात भी सेकंड की गई कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में जाता है तो फिर इंडिया का सेमीफाइनल बाहर होगा, अगर इंडिया फाइनल में जाता है फिर इंडिया का फाइनल बाहर होगा। आईसीसी ने आईसीसी सारी बातें फिर मोहसिन नकवी ने की, फिर जय शाह ने ये जो बातें की, जय शाह की बात में सब ये कुछ ये था। अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही थी, अब पूरी दुनिया ने वो सिचुएशन देखी है और वो एक मुझे ऐसा लगता है कि वो एक वीक जोन था जो मोहसिन नकवी को उस मीटिंग में थोड़ा सा सर नीचे करना पड़ सकता था और किया भी होगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान में भी सिचुएशन चल रही थी दो तीन दिन पहले का जो हाल हुआ था इस्लामाबाद में, या जो पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही थी, जो ये पीटीआई के वर्कर्स बाहर निकले हुए थे, इसकी वजह से थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा हाथ से निकला, इसकी वजह से थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी का मामला थोड़ा सा वीक हुआ है। फिर जय शाह ने भी यही बोला कि असि हम तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेंगे, और हमने कभी आज तक ऐसी बात की ही नहीं कि जो आपको पता लगा हो कि पाकिस्तान में इंडियन टीम आ रही है। हमने पहले दिन से एक ही बात रखी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। फिर इधर से मोहसिन नकवी की तरफ से एक बात आती है कि भाई आप जिस तरह इंडिया पाकिस्तान टीम लास्ट ईयर इंडिया गई थी वर्ल्ड कप खेलने, तो जब जका अशरफ थे चेयरमैन पाकिस्तान, और उन्होंने बोला था कि जी इंडिया ने एग्री कर लिया है कि अगर इस बार पाकिस्तान आता है वर्ल्ड कप खेलने तो हम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएंगे, और हम उसी चीज को लेके बार बार ये कह रहे थे कि जी इंडिया ने बोला हुआ। फिर जय शाह ने बोला कि जी हमारी तरफ से या हमारे ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसी कोई एक भी बात जो है वो नहीं बताई गई और ना की गई है। आपके जो भी एक्स चेयरमैन थे जका अशरफ, आप बेशक जका अशरफ से खुद भी पूछ सकते हो कि जी हमारी तरफ से अगर कोई ऐसी बात आई हो कि जी पाकिस्तान टीम इस बार खेलने आए और हम भी जाएंगे, क्योंकि जय शाह ने बोला कि वो तो एक आईसीसी का टूर्नामेंट था, वो आईसीसी ने हैंडल करना था पाकिस्तान को, हमारा उसमें कोई काम नहीं था, हमने नहीं बोला होगा, आईसीसी ने खुद अपनी तरफ से अगर बोला होगा तो फिर आईसीसी से आप पूछो जाके, क्योंकि हमने ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हम खेलने आएंगे। अब ऑब्वियसली बात है, जब जय शाह ने ये बात कर दी तो फिर मोहसिन नकवी अब इसके आगे क्या ही जो है वो बहस कर सकते थे, इसके आगे क्या ही आर्ग्यू चल सकता था कि जी नहीं नहीं आपने बोला हुआ है, आपके जो है वो कुछ लोग भी, आपके 20 के बंदे भी आए थे इधर जो है वो पाकिस्तान में, और वो देख के यहाँ सारे अरेंजमेंट वगैरह ये वो फलाना टमकाना ईच एंड एवरीथिंग। फिर जब ये बात जय शाह ने बताई कि जी जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि जी हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएंगे, और हमने हमेशा से एक ही बात की कि हमने पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाना, और फिर ये जो हालात वगैरह थे ये भी बताए गए। फिर मोहसिन नकवी ने बोला कि जी पाकिस्तान में बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल शांति है और आप सिक्योरिटी का मसला आपको बिल्कुल नहीं हो सकता, आप आओ खेलो चैंपियंस ट्रॉफी और आपको बिल्कुल कुछ किसी किस्म का कोई जो है वो मसला नहीं आएगा आपको किसी किस्म का कोई, आप बाकी टीमों से पूछ लो, बाकी टीमें एग्री कर रही हैं। हाँ, फिर जब बाकी अब भी एक दो बातें बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट अब इधर से बताऊंगा, बहुत दो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा अब वो क्या हुई हैं। जब बाकी बोर्ड से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ जी हम एग्री हैं पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्यों बोला मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऑलरेडी बता चुका हुआ है कि हम आ रहे हैं, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पीछे रह जाता है, ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया कि जी हम आने को तैयार हैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और बाकी टीमों का मसला था भी नहीं, मसला था तो बस वो जो इंडिया वाला चल रहा था, तो आप सबको पता होगा। अब बात इसमें ये आ जाती है, अब बीसीसीआई और आईसीसी की एक 1-on-1 मीटिंग होगी, आईसीसी से ये मसला सॉल्व नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब 1-on-1 मीटिंग होगी
बीसीसीआई की और पीसीबी की, इस मीटिंग में ये चीजें क्लैरिफाई की जाएंगी कि कौन किसको क्या करता है। लेकिन एक और बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको ये बता दिया, ये मीटिंग वाली मैं आप थोड़ी सी आगे जाके बताता हूँ, इधर एक बहुत एक और बात मैं जोड़ने लगा, वो बात ये है कि पीसीबी को यह ऑफर भी करवाई गई थी कि अगर पूरी चैंपियंस ट्रॉफी सॉरी हाइब्रिड मॉडल पे आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाते हो तो फिर आपको पैसा दिया जाएगा, अच्छी खासी रकम पकड़ाई जाएगी। लेकिन पीसीबी